टिक्की टिक्की में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक इंटरनेट सेंसेशन, डेलगोना कॉफी। अगर असल में देखा जाए तो ये कॉफी है वही इंडियन कॉफी जिसको हम फेंटी हुई कॉफी बोलते थे, कई सालों पहले बनाते थे जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते थे और टीवी देखते देखते एक ग्लास में कॉफी शुगर को मिला के और इसको कई मिनटों तक फेंटते रहते थे। जब वो फेंट जाती थी, गर्मी के मौसम है तो उसकी कोल्ड कॉफ़ी बन जाती थी, सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम है तो हॉट कॉफ़ी का मज़ा लिया जाता था। अब देखिए जिसमें ये कॉफ़ी है, नेस्कैफे कॉफ़ी लिए हमने, इसकी क्लासिक इंस्टेंट कॉफ़ी, और पीसी हुई शुगर ली है हमने। पीसी हुई शुगर के अलावा आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, अगर पीसी हुई है तो अच्छे से मिक्स हो पाएगी और दूध जाएगा इसमें। जब वो फेंट के तैयार हो जाएगी उसके बाद में चाहे आप कोल्ड कॉफ़ी बनाइए या हॉट कॉफ़ी बनाइए। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस तरह से 2 स्पूनफुल जो है वो हम इंस्टेंट कॉफ़ी का ले लेंगे, और ये शुगर है हमने पीसी हुई शुगर ली है। जितने मात्रा में आपने कॉफ़ी ली है उतनी मात्रा में आप शुगर ले लीजिए, मे बी लिटिल मोर, और दूध का भी इतनी ही मात्रा रहेगी। अब 2 स्पूनफुल इसमें दूध मिला दीजिए। उसके बाद में आप चाहे तो इसको हाथ से फेंट लीजिए, जो एग बीटर होता है, मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक बीटर है तो इस बीटर से हम बीट करने की कोशिश करते हैं इसको। इस तरह से ये बीटर काम करेगा आपका। लेकिन जो मज़ा हाथ से बीट करने में है, तब तक लगाते लगाते, वो मज़ा इसमें नहीं है। मैंने इसको करीब 2-3 मिनट तक बीट किया है, इसको पूरा कॉफी मिलने के लिए 10 मिनट तक लग सकते। दस मिनट फेंटने के बाद में देखिए इसका कलर एकदम लाइट ब्राउन हो गया है और इस तरह से ये एकदम फ्लफी हो गई है। अब इसको हम लेके अलग कर देंगे और आपको कॉफ़ी बनाना बताते हैं। ये हमारा कॉफ़ी मिक्स था, ये 2 ग्लास हमने हॉट मिल्क लिया है। फुल मिल्क लेने से कॉफ़ी का स्वाद ज़रा अच्छा आएगा। और इस तरह से देखिए किस तरह फ्रोदिंग वाला हो गया है बिल्कुल ही। और एक चम्मच इसमें मिला लीजिए और एक दूसरा चम्मच आप इसमें मिला लीजिए और आपकी कॉफ़ी तैयार। ये हमारी डेलगोना कॉफ़ी तैयार है, चाहे इसको हम फेंटी हुई कॉफ़ी कहें, डेलगोना कॉफ़ी कहें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत स्वाद लगेगी आपको। इसको आप बिस्किट के साथ में लीजिए या बिना बिस्किट के भी आप इसको खाली पी सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें और टिकी टिकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी डिश के साथ में फिर मिलेंगे।